पटना वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, जिनका सिलेक्शन पटना में हुआ है उनके लिए खुशखबरी है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनुराग। खबर बड़ी है, खुशखबरी है, क्योंकि पटना के शिक्षकों को ये मौका मिलेगा। पटना ही नहीं, नालंदा और वैशाली जिले के शिक्षक भी इसके भागी बनेंगे। तो क्या आखिर मामला है, क्या फायदा मिलेगा पटना वाले शिक्षकों को? दरअसल गांधी मैदान की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, गांधी मैदान, जहां 25,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे में इस मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित होंगे, ये लिस्ट बनाई गई थी। सभी जिलों के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कल देर रात अचानक एक नोटिस जारी किया गया शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की तरफ से, जिसमें पटना जिला, वैशाली और नालंदा जिले के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, यानी जो इनका सिलेक्शन हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है, अब वो तमाम वैसे अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। यानी जो सिलेक्शन किया जा रहा था कि कुछ कुछ छात्रों को ले जाया जाएगा, कुछ अभ्यर्थियों को ले जाया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो वैसे में खुशखबरी है, क्योंकि पटना के तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने जा रहे हैं वो सीएम नीतीश कुमार के सामने उपस्थित होंगे। पटना जिला के अलावा नालंदा और वैशाली जिले के जो अभ्यर्थी शिक्षक बन रहे हैं वो भी गांधी मैदान में उपस्थित होंगे। यानी गौरवमयी क्षण होगा उन शिक्षकों के लिए, उन्हें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीधे सीधे नियुक्ति पत्र पाने का मौका मिलेगा। तो बड़ी खबर है, खुशखबरी है, वो शिक्षक जो चाहते थे कि हम गांधी मैदान पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र पाए, तो वैसे में तीन जिलों को ये गौरव प्राप्त हो रहा है, पटना जिला, नालंदा जिला और वैशाली जिला। हालांकि पटना राजधानी है, उसके अलावा नालंदा और वैशाली के बारे में आप समझ सकते हैं। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो वैशाली डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है। खैर, ये व्यवस्था की गई है। हम आपको बताएं, जो ये नई व्यवस्था की गई है, इसमें इन तीन जिलों के सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक बन रहे हैं वो मौजूद होंगे। उसके अलावा बाकी जो कुछ जिले हैं जिनका नाम काट दिया गया है वो गांधी मैदान में नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो 25,000 अभ्यर्थियों को लाया जाना है गांधी मैदान में, उसमें पटना जिला, नालंदा जिला और वैशाली जिला के वो तमाम अभ्यर्थी मौजूद होंगे और सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथों से सीधे सीधे नियुक्ति पत्र पाने का खास मौका पाएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।